भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। जहां एक तरफ सरकार किसानों के हित के लिए अति गंभीर नजर आ रही है, जैसे किसी ने की आय दुगनी करना है और खेती को लाभ का धंधा बनाना, लेकिन बड़वानी जिले में किसानों का माल मंडियों में समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जहां किसान अपनी कृषि उपज को मंडी में ले जाते हैं तो मंडी में गिरदावरी का हवाला देते हुए किसानों का समर्थन मूल्य पर उनका कपास नहीं खरीदा जा सकता है, जिससे किसानों को औने पौने दामों पर बाहरी व्यापारियों को अपनी उपज बेचना पड़ रही है, जिसे किसान आर्थिक तौर से कमजोर होता जा रहा है। जबकि सरकार के द्वारा CCI को 1 अक्टूबर को ही आदेश कर दिया गया था कि किसानों का CCI यानी कि भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों का कपास समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, लेकिन राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां किसानों के खेतों की राजस्व महा अभियान 2.0 के कारण समय पर गिरदावरी नहीं होने के कारण मंडी में समर्थन मूल्य पर कपास नहीं खरीदा जा रहा है। पोर्टल पर रबी सीजन 2023 तक के पंजीयन को दिखाया जा रहा है। अंजड़ कृषि उपज मंडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2024-25 सीजन में 2300 क्विंटल समर्थन मूल्य पर किसानों से कपास खरीदा गया, तो वहीं 9764 क्विंटल से अधिक समर्थन मूल्य से नीचे खरीदा गया है। इन आंकड़ों में मंडी के बाहर खरीदी बिक्री हुए कपास के आंकड़े अलग हैं। कपास कहीं न कहीं किसानों के साथ अन्याय होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। CCI द्वारा खरीदी करने का आदेश तो सरकार ने 1 अक्टूबर से कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं राजस्व विभाग की भारी लापरवाही के कारण आज तक चालू नहीं हुई CCI। अभी हमने जैसे आज से 10 रोज पहले SDM साहब को अवगत करवा दिया था, तहसीलदार महोदय को भी अवगत करवा दिया था, तो हमने कहा भाई पोर्टल पे जब तक किसान की फसल नहीं आ रही, अभी मैंने CCI वाले अधिकारी सेंटर प्रभारी से बात करी, CCI चालू सर आप चालू यहाँ आ गए चालू नहीं कर रहे हैं, तो बोला साहब जब तक हमारा किसान का पंजीयन नहीं होगा हम कपास खरीदी कैसे चालू करेंगे, बिल नहीं बनेगा। तो किसान की जो फसल की गिरदावरी है पोर्टल पे आना चाहिए, वो आज तारीख तक नहीं आ रही है, तो इसका किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा। सरकार भी ढिंडोरा पिटती कि हमने समर्थन मूल्य पे कपास खरीदना हुआ, तो अंजड़ मंडी का रिकॉर्ड मैंने अभी निकाला है, 16 सितंबर से अंजड़ मंडी का मुहूर्त चालू है, उस दिन से 28 अक्टूबर तक का अंजड़ मंडी में कपास मात्र 2300 क्विंटल समर्थन मूल्य पे बिका और 98,000 क्विंटल से ऊपर लगभग कपास समर्थन मूल्य से नीचे बिका। ये अंजड़ मंडी का डाटा है भाई साहब, तो ये पूरे जिले में कितना किसानों को नुकसान होगा। सरकार 6,000 रुपये का ढिंडोरा पीटती है और हम सरकार की इनकम डबल करेंगे तो कैसा होगा, जब मतलब कपास किसान का अभी तक CCI नहीं खरीद, तो भारतीय कपास निगम को या तो इन्होंने आदेश करना चाहिए था कि भाई तहसीलदार अगर लिख के दे रहा है तो उसको मान्य करे, या CCI को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसान का माल कहाँ ले रही थी, अभी आधे से ऊपर किसानों का माल निकल गया, कपास में रोटर वेटर चल रहे हैं, तो ये इसका फायदा बिचौले लेंगे, क्योंकि किसान के पास तो माल रहेगा, और आज तारीख तक कपास खरीदी का कोई ये डेटा नहीं चालू हुआ, फसल अपडेट नहीं हो रही, कब पंजीयन करेंगे, कब कपास खरीदेंगे। राजस्व विभाग से संपर्क करने पर क्या बोला जा रहा है? राजस्व विभाग से संपर्क करा हमने तो उन्होंने बताया कि हमने हमारे यहाँ से गिरदावरी हो गई है, भोपाल से ये अपडेट नहीं हुआ, तो ये कौन करेगा भाई साहब? किसान ये थोड़ी समझता है कि ये तो राजस्व विभाग की लापरवाही, इन्होंने पहले करना चाहिए था, इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ेगा। राजस्व अभियान में बताया जा रहा था कि 2.0 चलाया जा रहा है, किसानों की परेशानियां दूर हो रही है, कितना सफल रहा राजस्व अभियान? ये पूरी तरह से फेल हुआ भाई साहब। अगर किसान की फसल की गिरदावरी आज तारीख तक पोर्टल पे नहीं दिख रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका नुकसान तो किसान को उठाना पड़ रहा नहीं? अभी किस भाव में किसानों को कपास बेचना पड़ रहा है मंडी में, क्योंकि CCI खरीदी कर नहीं रहा है? CCI अगर खरीदी नहीं कर रहा तो किसान का माल 5.5 से 6,000 रुपये मंडी में बेभाव बिक रहा है और किसान पूरी तरह से लूटा रहा। अगर CCI कपास खरीदता है तो 7200 से 7400 रुपये का रेट है, ये मान के चलो कि 1200 रुपये का अल्टर आ रहा है, तो इसका नुकसान किसान उठा रहा है। जिले में CCI का खाता खुला कि नहीं अभी तक खरीदी? अभी तक जिले में एक जगह भी किसान CCI ने चालू नहीं किया है। अभी पंजीयन के मैटर में ये मामला सामने आया है कि किसानों की जो गिरदावरी है उसमें 2024 की फसलें जो है वो अपडेट नहीं हुई है, इसलिए किसानों के पंजीयन में दिक्कत आ रही है। और ये चीज़ हमको CCI की जो केंद्र प्रभारी है मंगेश जी, उनके द्वारा बताया गया है, तो इस संबंध में हमने SDM साहब से भी चर्चा करी है और SDM साहब को
एक आवेदन लिख के, चिट्ठी लिख के निवेदन भी किया है कि सर जल्दी से जल्दी उसको अपडेट कराया जाए ताकि किसानों को पंजीयन हो सके और किसान CCI में अपनी उपज कपास बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके। सर इसमें कपास के साथ में सोयाबीन का भी बताया जा रहा है कि उसका भी गिरदावरी नहीं हुई है। वो 2024 की मेरे ख्याल से दोनों फसलें सोयाबीन की भी गिरदावरी नहीं हुई है और कपास की भी गिरदावरी नहीं हुई है। सर SDM साहब ने क्या जवाब दिया? SDM साहब ने ये आश्वस्त किया है कि 2-4 दिन में इसको जो है अपडेट हम करा देंगे। सर अपडेट होने के बाद में पंजीयन शुरू हो जाएगा किसान? बिल्कुल, अपडेट होने के बाद में CCI के ऑफिस में पंजीयन शुरू हो जाएंगे, किसान अपना पंजीयन कराए और कपास मंडी में लाके बिकेगा। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।